नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। और आज के इस शुभ दिन में हमने दार्जिलिंग के कैपिटल हॉल के पास जो मूर्ति है वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से उन्हें माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया, हमारे महान नेता को जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में जो भूमिका निभाई, जो उन्होंने कार्य किए उससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमें अपने सभी बंधुओं से कहना चाहिए कि उनके दिखाए गए मार्ग पर वो चलें। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दार्जिलिंग में विगत कई वर्षों से सुबह सबसे पहले जाके उन्हें माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हैं, और हम आशा करते हैं कि हम सभी उनके बताए हुए पदचिन्हों पर चलेंगे और इस देश को स्वतंत्र रखते हुए उसकी तरक्की में, राष्ट्रहित में हम कार्य करेंगे। यही शुभ संदेश आज के दिन मैं हमारे सभी बंधुओं को देना चाहूँगा। और दार्जिलिंग में भी उनका खरसांग में जब वो एक बार रुके थे अंग्रेजों से छुप के, उस समय यहाँ पर यहाँ के गोरखा भाइयों ने जो उस समय भूमिका निभाई वो सराहनीय है, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो सरकार है उनके उस राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उसको ध्यान में रखते हुए उसे एक बड़ा रूप देंगी। और यही विनती मैं अपने सरकार से करूँ।